हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कक्षा 11 के समतल में गति के प्रक्षेप्य गति की। तो प्रक्षेप्य गति बच्चों आपके लिए ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है और टफ के साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस भी परीक्षा चाहे वो तिमाही हो, अर्धवार्षिक हो, चाहे वो वार्षिक हो, तो इसकी महत्वता परीक्षा को देखते हुए उतनी ही ज्यादा है जितना ये टॉपिक आपको टफ लगता है। तो आइए हम आज के वीडियो में बात करते हैं प्रक्षेप गति की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रक्षेप होता क्या है। जब हम समझ जाएंगे कि प्रक्षेप क्या है तो फिर हम उसके बाद में बात कर सकते हैं कि उसकी गति कैसे होती है। तो प्रक्षेप क्या है, कोई भी वस्तु, जैसे अभी ये मार्कर मैंने ले रखा है, अगर मैं इसको ऐसे फेंक दूं समतल क्षैतिज दिशा से कुछ ना कुछ कोण बनाते हुए, अगर मैं इसको किसी प्रारंभिक वेग से फेंक दूं तो ये क्या होगा, जैसे ही फेंका जाएगा तो इसको गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का अपनी ओर खींचने लगेगा। तो ये मैंने फेंका इसको इस दिशा में, लेकिन चूंकि इसमें गुरुत्वीय त्वरण हर बिंदु पर लग रहा है जब ये आगे बढ़ेगा, तो इसका जो मार्ग है ये सीधा ना होके क्या हो जाता है, ऐसे परवलयाकार हो जाता है। तो इस वस्तु को जिसको हमने इस तरीके से क्षैतिज के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाते हुए कुछ प्रारंभिक वेग से फेंका था, उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, प्रक्षेप्य। ठीक, अब ये जो प्रक्षेप्य गति है इसका जो पथ है ये परवलयाकार होता है। इस पैराबोलिक पाथ को, परवलयाकार पाथ को, मार्ग को हम अभी सिद्ध करेंगे गणितीय रूप से। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमने एक क्या बना लिया, समतल, और ये जो समतल है ये एक्स और वाई दो अक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसको हमने समतल कहा, ये x अक्ष और ये y अक्ष। अब हम क्या करते हैं, यहां मूल बिंदु से किसी ना किसी प्रारंभिक वेग u से हमने किसी वस्तु को ऐसे प्रक्षेपित किया। तो अब ये क्या होगा, इस परवलयाकार मार्ग को बनाते हुए और ये इस बिंदु पर वापस से आके गिर जाएगी वस्तु। तो मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु, मूल बिंदु हमने कहा O, और इसके बाद ये जहां पर गिरती है इस बिंदु को मैंने कहा क्या, कहा P। ठीक, अब ये जब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगी तो इस बिंदु को मैंने कहा क्या, M। ठीक, अब ये जो प्रारंभिक वेग है इसका क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो अब इस प्रारंभिक वेग को आप इसके घटकों में विभक्त कर दीजिए, तो इसका एक घटक आएगा इस क्षैतिज दिशा में जिसको हम कहेंगे यू एक्स, और जिसका मान होगा कितना, u cos थीटा। और ये जो y दिशा है इस दिशा में इसका जो अवयव होगा उसको हम कहेंगे uy, और इसका मान कितना होगा, u sin थीटा। अब ये दोनों वेग अपना अपना काम करते हैं जैसे ही आपने इस प्रक्षेप्य को फेंका। तो होता क्या है कि ये वाला जो अवयव है ये अवयव इस प्रक्षेप्य को इस क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ाता है, और ये जो लंबवत अवयव है प्रारंभिक वेग का ये क्या करता है, इसको ऊंचाई में लेके जाता है, ऊर्ध्वाधर गति करवाता है। तो प्रक्षेप दो दिशाओं की गतियों का मेल है। इसमें जो प्रक्षेप आपने वस्तु जिसको फेंका है वो क्षैतिज दिशा में भी आगे बढ़ रही है और ऊर्ध्वाधर दिशा में भी, लंबवत दिशा में भी वो आगे बढ़ रही है। तो अब इसमें दो तरह की गतियों का ये योग है। आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रक्षेप्य गति में कुछ चीजें हम मान के चलते हैं, क्या कि उस प्रक्षेप्य पर किसी भी तरह का कोई भी वायु का जो अवरोध है जो उसकी गति को इस दिशा में कम कर सकता है वो हम वायु का प्रतिरोध शून्य मानते हैं, नगण्य मानते हैं। मतलब ये मानते हैं कि क्षैतिज दिशा में इसकी कोई भी गति में परिवर्तन नहीं है। तो जब क्षैतिज दिशा में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो कुल मिला के ये जो क्षैतिज दिशा का प्रारंभिक वेग का अवयव है ये इसके हर मार्ग पर समान बना रहेगा। मतलब क्षैतिज दिशा में वेग परिवर्तन ना होना क्या बताएगा, कि क्षैतिज दिशा में त्वरण का मान शून्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे जैसे ये परवलय ऊपर उठता जाता है इस दिशा से, क्षैतिज दिशा से, वैसे वैसे इसको गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर आकर्षित करता, खींचता है। तो कहने का मतलब कि y दिशा में इसका जो वेग है परिवर्तित होगा,
जैसे ही ये अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो ये जो वाई दिशा का प्रारंभिक वेग था ये शून्य हो जाएगा, घटते घटते शून्य हो जाएगा। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ वेग क्या बचेगा, क्षैतिज दिशा का वेग बचेगा। इसके बाद वापस से जब ये आगे बढ़ता है तो क्षैतिज का अवयव तो नियत बना रहेगा, लेकिन फिर से इसमें ये जो ऊर्ध्वाधर अवयव है अब इसकी दिशा नीचे की ओर होती है, यहां पर क्या थी ऊपर की ओर, ठीक। अब ये वाली जो दिशा है यहां पर गुरुत्वीय त्वरण इसको नीचे खींच रहा था इसलिए यहां माइनस ले रहे थे, अब यहां पर क्या गुरुत्वीय त्वरण फिर नीचे खींचेगा, तो ये जो वाय का वेग का वाय या यू कहिए लंबवत या ऊर्ध्वाधर घटक है इसकी दिशा अब नीचे की ओर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या प्रक्षेप्य का मार्ग, ठीक है। तो प्रक्षेप्य का मार्ग कैसा होगा, परवलयाकार। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि प्रक्षेप्य का मार्ग परवलयाकार होता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है तो हमने क्या लिखा क्षैतिज दिशा में गति के लिए, तो क्षैतिज दिशा में जो गति है क्या अब हम इसमें यूज करते हैं क्या अपने गति का द्वितीय समीकरण, ठीक है। तो द्वितीय समीकरण हमारा क्या कहता है x बराबर s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s यहां पर क्षैतिज दिशा में क्या होगा x बराबर ux प्रारंभिक वेग का क्षैतिज अवयव, क्योंकि हम क्षैतिज दिशा के लिए लिख रहे हैं समीकरण uxt प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आप देखिए यहां पर मैंने पहले ही बता दिया कि क्षैतिज दिशा में जो प्रारंभिक वेग है यह नियत बना रहता है, इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब क्षैतिज दिशा का त्वरण शून्य होगा। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां ux का मान है u cos थीटा जो कि यह लिखा हुआ है, ax का मान शून्य होगा। तो अब इसलिए x बराबर आप क्या लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू टी, इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर एक। आगे बढ़ते हैं, तो अब जैसा आपने क्षैतिज दिशा के लिए लिखा है वैसा ही अब आप बात करिए किसके ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए, ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जब वो गति करेगा तो आप फिर से यही समीकरण लगाइए y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं जहां यू वाई कितना है, यू वाई को देखिए वहां चित्र पे लिखा हुआ है यू साइन थीटा, और ए वाई का मान कितना है, चूंकि ये ऊपर जा रहा है इसलिए ए वाई क्या होगा ऋणात्मक जी, तो माइनस जी। अब आगे बढ़ जाते हैं तो ये मानों को यहां पर रख देते हैं, इसलिए y बराबर क्या मिल जाएगा आपको u साइन थीटा इंटू टी प्लस माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वेयर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो हमें यहां से t का मान समीकरण एक से मिलेगा और हम इस मान को यहां पर रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस प्रक्षेप्य का मार्ग कैसा होता है वह मिल जाएगा। तो देखिए समीकरण नंबर एक से, समीकरण एक से आपने t का मान क्या लिखा x बटे u cos थीटा, अब इस t के मान को आप यहां पर रख देंगे तो ये जो y बनता है ये y क्या बनता है, देखिए u sin थीटा इंटू टी, अब t देखिए यहां पर क्या है t है x बटे u cos थीटा, ये हमने t का मान रखा है, ठीक, माइनस 1 बाय टू इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। अब देखिए t का स्क्वायर मतलब x बटे u cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से देखिए u और u कटने वाले हैं, sin अपॉन cos बनने वाला है tan थीटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे
tan थीटा इंटू एक्स माइनस, देखिए यहां से जी अपॉन टू यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, जी अपॉन टू यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए और यहां पर एक्स स्क्वेयर को गुणा कर लीजिए, ठीक है। अब ये जो समीकरण है, ये समीकरण आपका परवलय का है और वो परवलय द्वितीय ऑर्डर का होगा, सेकेंड ऑर्डर पैराबोलिक, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, चूंकि उपर्युक्त उपर्युक्त समीकरण एक द्वितीय कोटि के परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने जो सिद्ध किया है, ये परीक्षा में पूछता ही पूछता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लें, अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो अब हम बात करेंगे किसकी, उड्डयन काल की, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम निकालते हैं क्या उड्डयन काल, इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो उड्डयन काल क्या है पहले उसको समझ लीजिए। तो उड्डयन काल, जैसे ही आप किसी प्रक्षेप्य को फेंकते हैं, तो जैसे ही वो आपके हाथ से निकला, निकलने के बाद वो फिर से क्या है, धरती पर गिरेगा। तो प्रक्षेप्य बिंदु से धरती पर गिरने के पहले उसने जितना भी समय लिया है, उस समय को हम क्या कहेंगे, उड्डयन काल, ठीक। इसकी दूसरी डेफिनेशन, दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है, उड्डयन काल वह समय है जिस में प्रक्षेप्य हवा में होता है, ठीक, फेंका और गिरने के पहले ये पूरा समय कहां रहेगा, हवा में रहेगा, तो हम इसको उड्डयन काल कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। तो चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए कि जो हमारा गति का जो दूसरा समीकरण है उसको हम y दिशा में लिखते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या कहता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यही कहता है। अब चूंकि हम y दिशा में लिख रहे हैं इसको, तो इसलिए यहां पर देखिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो उसकी बात करते हैं। यदि आपका ये जो समय है ये उड्डयन काल बन जाए, t बराबर कैपिटल t हो जाए, तब उस स्थिति में y मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन वस्तु का प्रक्षेप्य का कितना हो जाएगा, आप खुद सोचिए। प्रारंभिक स्थिति उसकी कहां है, शून्य, y का मान शून्य धरती पर है, और वापस से अंतिम स्थिति भी उसकी कहां है, धरती पर है। तो कुल मिलाकर y दिशा में उसका विस्थापन क्या हुआ, शून्य, ठीक। तो यहां पर शून्य हो जाएगा ये। अब इसके बाद ay का मान क्या लेंगे आप, माइनस जी, ठीक। uy का मान लिखा हुआ है, uy बराबर यू साइन थीटा। अब इन मानों को आप रख दीजिए समीकरण पर, तो आपको ये जो y का मान है ये कितना है, शून्य है, बराबर u का मान कितना है, u साइन थीटा है, फिर इसके बाद में t का मान कैपिटल t है, माइनस लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ay का मान माइनस जी है, तो एक बटे दो ay के लिए आपने g लिख दिया इंटू कैपिटल t का स्क्वायर। अब आप क्या करिए, इसका यहां पर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये क्या बनने वाला है, एक बटे दो जी टी स्क्वेयर बराबर यू साइन थीटा इंटू टी हो जाएगा। यहां से आप इस टी स्क्वेयर को इससे काट सकते हैं, इस टू को आप यहां पर गुणा कर सकते हैं तीर्यक, और जी को भी तीर्यक गुणा कर सकते हैं। तो आपका जो उड्डयन काल है, ये उड्डयन काल क्या बन जाएगा, टी बराबर टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है बच्चों। अब उड्डयन काल के बाद देखिए, उड्डयन काल के बाद भी हम बात करते हैं क्या, क्षैतिज परास,
क्षैतिज परास, इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। ठीक, तो क्षैतिज परास क्या चीज है, जहां से वस्तु को फेंका गया अब ये वापस से धरती पर जहां गिरेगा तो क्षैतिज दिशा में इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज परास। ठीक है, जैसे अभी हमारे नीरज चोपड़ा जी जैवलिन थ्रोअर हैं, भाला फेंकते हैं, तो वो भी क्या है, एक प्रक्षेप पे है। अब वो जहां से फेंकते हैं और जहां भाला गिरता है वो दूरी नापी जाती है, और जिसकी दूरी ज्यादा होती है, क्षैतिज परास ज्यादा होता है, उसको क्या दे दिया जाता है, मेडल दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा क्षैतिज परास है वह इधर से लेके इधर तक की, ओ से लेके पी बिंदु तक की दूरी है। तो ये दूरी कितने समय पे ली जा रही है, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचिए, इसको हम और क्या कह सकते हैं कि क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप के द्वारा उड्डयन काल में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, क्षैतिज परास। ठीक, तो अब देखिए क्षैतिज परास को निकालने के आपके पास में दो तरीके हैं। ठीक, तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं कि क्षैतिज दिशा में वेग आपका ये है, दूरी आप कह रहे हैं आर है, और समय क्या है, टी। ठीक, तो आप यहां पर क्या लिखिए, वेग बराबर और विस्थापन बटे समय। ठीक, तो क्षैतिज दिशा में वेग कितना है, यू कॉस थीटा, और विस्थापन कितना है, यहां से यहां तक हम कह रहे हैं आर, कैपिटल आर, और समय कितना ले रहा है वो उड्डयन काल। ठीक, तो टी को आप यहां भेज दीजिए, तो यू कॉस थीटा गुणे टी बराबर क्या आ गया, आर। सही है, तो यहां से टी का मान आप निकाल चुके हैं, इसको यहां पर रख देते हैं, तो हमने लिखा इसको यू कॉस थीटा इंटू टी की जगह हमने लिखा टू यू साइन थीटा बटे जी बराबर क्या आ गया, आर। सही है, तो यहां से देखें कि यू स्क्वेयर आप आगे लिख दीजिए, यहां से आप लिखिए टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में लिख दीजिए आप क्या, जी बराबर लिख दीजिए कैपिटल आर। ठीक है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। ठीक है, तो आप ये क्या लिखेंगे, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी बराबर क्या होगा आपका, क्षैतिज परास, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप कितना तय करेगा, अब हम उसके मान के लिए बात करते हैं। ठीक, तो अगला जो हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, अधिकतम ऊंचाई, इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। ठीक, तो ये हमने लिख दिया h। ठीक है, ये होगा y बराबर h। तो अब क्या करते हैं हम, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति का तीसरा समीकरण लिखते हैं। ठीक है, तो अभी आपने ऊर्ध्वाधर दिशा में गति का तीसरा समीकरण लिखा, वी वाई स्क्वेयर माइनस यू वाई स्क्वेयर बराबर टू ए वाई इंटू वाई। ठीक है, अब यहां पर जब y का मान h के बराबर हो जाएगा तो उस स्थिति में जो अंतिम वेग ऊर्ध्वाधर दिशा का है वह शून्य हो जाएगा। मैंने बताया ना कि यहां से ये वाला जो मान है ये क्रमशः घटता जाता है जैसे जैसे प्रक्षेप ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको गुरुत्वीय बल नीचे की ओर खींचता है, तो अंत में जब वो अधिकतम ऊंचाई पर होगा तो इसका ऊर्ध्वाधर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो जाएगा। तो ये जो वी वाई का मान है ये शून्य हो चुका होगा, और इसके बाद ए वाई के मान को आप माइनस जी लेंगे, और यू वाई को आपको सामने दिख ही रहा है, यू वाई को आप क्या लेंगे, यू साइन थीटा। ठीक है, इतना। अब हम आगे बात करते हैं, तो यहां पर इसको हमने शून्य कर दिया, माइनस इसको हमने क्या लिखा, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बराबर टू। अब ए वाई का मान हमने लिख लिया माइनस जी, तो हमने इसको लिखा माइनस जी, और वाई के मान को हमने लिखा एच। ठीक है, इतना। अब यहां से ये ऋण और ये ऋण कट जाएगा, यहां से यू स्क्वेयर
साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g बराबर आ जाएगा h अधिकतम ऊंचाई। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि प्रक्षेपी का किसी भी क्षण जो वेग है वो कितना होगा, मतलब जिसको कहते हैं तात्क्षणिक वेग। ठीक है, तो अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, क्या तात्क्षणिक वेग। तो मान लीजिए कि अभी हमारा प्रक्षेप बिंदु इस पर है, ये बिंदु को मैं नाम दिया मैंने N। ठीक, तो यहां पर प्रक्षेप की जो दिशा होगी वेग चाल की गति की वो ये V होगी। अब यहां पर हमने ये क्षैतिज दिशा बना ली इसके समांतर, इससे इसका कोण ले लिया हमने बीटा, तो ये जो V है इसके दो अवयव होंगे, एक होगा Vx और एक होगा Vy। ठीक है इतना, चलिए तो अब हम बात करते हैं, तो ये जो Vx है ये Vx बराबर क्या होगा Ux। ठीक, क्यों, क्योंकि Ax का मान शून्य है पहले ही बता दिया है, तो ये आ जाएगा क्या u cos थीटा। ठीक, अब आप लगाइए क्या पहला समीकरण y दिशा में, तो y दिशा में पहला समीकरण Vy बराबर क्या लिखेंगे आप uy प्लस ay इंटू टी। ठीक, तो यहां से uy का मान आप क्या लेंगे u sin थीटा, ये लिखा हुआ है। अब माइनस g का, ay का मान क्या लेंगे माइनस g और इंटू टी, तो ये आ जाएगा आपका vy। तो अब देखिए जो v होगा ये क्या होगा, तो v बराबर अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम यही कहता है। अब यहां पर इसका मान आप रख देंगे, क्या हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस y का मान आप रख देंगे u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर, किया जाएगा। ठीक, अब चाहे तो इसको आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा u स्क्वायर, अंदर यहां पर होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर माइनस b, a माइनस b का होल स्क्वायर लगा लीजिए, तो a स्क्वायर में u स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया है, अंदर क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर g t का स्क्वायर माइनस 2ab into b। ठीक है, यह जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं 1, तो ये क्या बचेगा देखिए, ये बचेगा आपको अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ugt into sin थीटा, ये आ गया आपका परिमाण तात्क्षणिक वेग का। अब हम बात करेंगे दिशा की। ठीक, तो आप क्या निकाल लीजिए tan बीटा, तो tan बीटा क्या होगा लंब बटे आधार, लंब क्या है ये, आधार क्या है ये, तो vy का मान देख लीजिए क्या है आपके पास ये, तो आपने लिखा u sin थीटा माइनस gt बटे ux, देख लीजिए क्या है ये है u cos थीटा, तो ये आ जाएगा tan बीटा। ठीक, तो बीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं टैन इनवर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी बटे यू कॉस थीटा, ये आ गया आपकी दिशा। ठीक।